हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण एससी और एसटी गुरुद्वारा चुनाव, जल विभाग के कैबिनेट मंत्री और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार राजेंद्र पाल गौतम बुधवार को अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पधारे। यह अम्बाला जिला के संगठन मंत्री गगनदीप सिंह कपूर ने अपने साथियों के साथ उनका स्वागत कर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अम्बाला लोकसभा के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली अब बदलेगा हरियाणा रैली को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, क्योंकि हरियाणा के लोग खुद ब खुद आम आदमी पार्टी से जुड़कर बढ़ चढ़ कर गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहले गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात पहुंचकर गुजरात मॉडल की हकीकत की समीक्षा की तो पाया कि वहां के स्कूलों में ना तो पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और ना ही विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं हैं। इसी प्रकार वहां के अस्पतालों में भी मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लोग बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की अब देश विदेश में खूब चर्चा हो रही है। पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली मॉडल को अपनाकर वहां पर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार गठित की है और सरकार ने पहले महीने में ही अपने चुनावी वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। पंजाब के बाद हरियाणा, हिमाचल और गुजरात के लोग भी चाहने लगे हैं कि उनके राज्य में भी दिल्ली जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें। उन्होंने कहा कि आज हकीकत यह है कि लोग स्वयं ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कुनबाद दिन रात बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हीं लोगों को साथ जोड़ रही है, जबकि सैद्धांतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि आज देश में काम की राजनीति प्रभावी है और लोग धर्म और जाति की राजनीति के दुष्परिणाम देख चुके हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो मुझे खुशी है कि लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। आपकी पार्टी की एक विचारधारा है, उसी के चलते आप काम करते हैं जी, पर आपकी पार्टी में विशेष तौर पर हरियाणा की बात करूं तो दूसरी पार्टियों के लोग भी काफिला दर काफिला आते जा रहे हैं, उनके संस्कारों और विचारों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ कैसे मेल किया जाएगा? मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई पार्टी बढ़ रही होती है तो ये तो अपने आप चलते ही है कि दूसरी पार्टी से लोग निकल के आते जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ जिन सिद्धांतों के हिसाब से आम आदमी पार्टी बनी है, जो लोग उस सिद्धांतों के साथ चलेंगे, जो उन सिद्धांतों में उस विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करेंगे, अपने व्यवहार में आचरण में लाएंगे, वो ही लोग चल पाएंगे। 29 तारीख को जो रैली होने जा रही है कुरुक्षेत्र में, उसका सर कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं लोग स्वयं की प्रेरणा से जुड़ रहे हैं। एक होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं इसलिए जुड़ रहे हैं, एक होता है स्वयं की प्रेरणा से जुड़ना, इसलिए सफलता पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं। निश्चित तौर पर बहुत सफल होंगे और आने वाले समय में खुद हरियाणा के लोग अपना भविष्य तय करेंगे। पानी को लेकर फिर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसके, क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पानी नेचुरल सोर्स है, उस पर किसी एक स्टेट का अधिकार नहीं हो सकता, पानी तो सब लोगों को चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।